कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो, वहां झंडा गाड़ो। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दुकानदारों को धमकी देते हो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नतीजे बड़े खतरनाक होंगे। मोदी जी, आपको मैं अभी भी कहती हूं कि आप अगर चाहें तो जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकाल सकते हैं, हिस्ट्री में आपको इसके लिए याद किया जाएगा। कितनी मस्जिदें तोड़ी, मंदिर बनाए, उसके लिए कोई याद नहीं करेगा। उसके लिए दुत्कारते हैं लोग ऐसे काम करने के लिए, जिस तरह आप पुराने हुक्मरानों को दुत्कारते हो, बादशाहों को दुत्कारते हो, जी उन्होंने फलानी मंदिर तोड़ दिया तो मस्जिद बना दी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये जम्मू कश्मीर को आप जहां चाहो झंडा लगा सकते हो, इसको जेल बना दिया आपने। हमारे कश्मीरी पंडितों की बात देखिए, आपने कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा, उनका रास्ता खुलवाइए शारदा पीठ के लिए कश्मीरी पंडितों का। आपने करतारपुर तो खुल गया, अब शारदा पीठ खुलाइए कश्मीरी पंडितों के, करेंगे क्या आप ऐसा? आपने इसको जेल बना रखा, आपने हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद कर दिए, क्यों? शक की बुनियाद पे। मेरी आपसे गुजारिश है इंसान का दिल रख के महसूस कीजिए कि उन घरों की क्या हालत होगी जिनके लख्त जिगर आपने तिहाड़ जेल में, आगरा जेल में और पता नहीं कहां कहां रखे हैं, उनके पास किराया भी नहीं है वहां जाने के लिए। मेरी गुजारिश है इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन नौजवानों को जनरल एमनेस्टी देके इनको रिहा कर लीजिए, अपने घरों में जाएं।